Hello everyone, so welcome to Jaydev classes for GRF in political science. कैसे हैं आप सब? Friend, this is Meenakshi Singh और आज हम लोग discuss करने वाले हैं, आज है last day revision. तो आज मैं आप लोगों को सारे unit 10, जो unit 10 का पूरा जो निचोड़ है वो एक ही इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ. ठीक है, तो इस वीडियो, ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को. सबसे पहले हम देखेंगे कैन द सबल्टर्न स्पीक, की गायत्री स्पिवाक की है. गायत्री स्पिवाक ने इसके अंदर जो बोला था वो कहती हैं कि अंग्रेजों द्वारा भारत में सती के हिंदू संस्कार के उन्मूलन के लिए आमतौर पर गोरे पुरुषों से बुरी महिलाओं को बचाने वाले गोरे पुरुषों के मामलों के रूप में समझाया है. वो इसमें यही चीज़ बताती हैं. ठीक है, उसके बाद देखेंगे आप लोग मल्टीपल लॉजिक ऑफ अनार्की, तो ये कैनेथ वॉल्स का है ना. और ये जो थ्री लेवल्स इन्होंने बताए थे तो कौन कौन से बताए थे, तो मैन, स्टेट एंड वॉर. तो मैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट है, ये वैसे सारा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो ये ध्यान रखिएगा. मेरा एक स्टूडेंट है, उसने इसको पूरा एक तरह से बनाया है, मैन, स्टेट एंड वॉर. ठीक है, तो मैंने जब क्लास में पढ़ाया था तो यही चीज़ें बनाई थी. तो मैन, स्टेट एंड वॉर, इसमें ये एक्सप्लेन करते हैं कॉजेस को. ठीक है, तो थ्री लेवल्स बताए थे उन्होंने, इंडिविजुअल, स्टेट और इंटरनेशनल सिस्टम को. तो ये ध्यान रखना सारे बच्चे. उसके बाद आता है आपका ये नेपोलियन. नेपोलियन देखो, चाइना जो है वो नेपोलियन को एक स्लिपिंग जाइंट कहता है ना, एक स्लिपिंग जाइंट कहता है. और कहते हैं कि भैया अभी स्लिपिंग जाइंट को सोने दो, ये एक ऐसा मतलब एक ऐसा ये बहुत ही बड़ा राक्षस है, क्योंकि ये अभी इसको सोने दो, जब ये जागेगा तो सब में क्या कर देगा, सब में ही सबको हिला देगा, जगत को हिला देगा. तो ऐसा इन्होंने चीन के संदर्भ में कहा था और किसी ऐसे व्यक्ति के लिए काफ़ी भविष्यवाणी थी जो 1821 तक जीवित रहे थे. तो ये ध्यान रखना. उसके बाद अगर आप देखोगे वंसा स्पीकर इज ऑलवेज अ स्पीकर, तो ये किसके लिए बोला जाता है, एक बार का वक्ता हमेशा का वक्ता है ना. तो ये स्पीकर इन पोजीशन, ये इन द यूके, देयर इज अ कन्वेंशन ऑफ द ओवर स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर है ना. तो ये यूके के सेंस में बोला जाता है, क्योंकि स्पीकर जो होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी अनचैलेंज वंसा पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ स्पीकर, ही गिव फॉर्मल रेजिग्नेशन फ्रॉम हिज पॉलिटिकल पार्टीज. तो ये ध्यान रखना. उसके बाद अगर आप देखोगे अध्यक्ष जो होता है, अध्यक्ष का पद जो होता है वो महान प्रतिष्ठा और गरिमा का पद होता है. यूके में एक परंपरा है, एक बार का अध्यक्ष हमेशा का अध्यक्ष होता है. इसका मतलब है एक अध्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र में निर्विरोध है. एक बार जब कोई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होता है तो उसे अपने राजनीतिक दल से औपचारिक इस्तीफा दे सकता है. तो ये ध्यान रखना. लिबर्टी सोवरेनिटी कैन ब्रेक बिकॉज इट सेंट्रलाइज्ड, तो मैंने आप लोगों को बताया था ये जॉन ऑस्टिन ने बोला था. ये जॉन ऑस्टिन है, ठीक है, इन्होंने एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ के ये फादर रहे हैं और इन्हें जाना जाता है सोवरेन एंड लीगल पॉजिटिविज्म के लिए. इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बुक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो प्रोविंस ऑफ ज्यूरिप्रूडेंस है ना, ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी उन्होंने एक्सप्लेन किया था. लॉ इज कमांड ऑफ द सोवरेन बैक्ड बाय अ सेक्शन, ठीक है. तो यहाँ पर इन्होंने कॉमन ऑफ कॉमन सोवरेन सेक्शन, ठीक है, इन चीज़ों की बात की थी. तो ये ध्यान रखना सारे बच्चे. उसके बाद आते हैं जॉन ऑस्टिन को कानून के संप्रभु या आदेश के रूप में परिभाषित किया गया है ना. तो इनकी जो थ्योरी है सोवरेनिटी की, तो सोवरेनिटी की जो थ्योरी है इसमें ये हिरार्की को बताते हैं विद इन अ स्टेट और एक्सटर्नल ऑटोनॉमी फॉर स्टेट. सोवरेनिटी जो होती है असाइन टू द पर्सन, बॉडी और इंस्टीट्यूशन, अल्टीमेट अथॉरिटी ओवर द पीपल ऑर्डर टू एस्टेब्लिश अ लॉ एक्सचेंज एज एग्जिस्टिंग लॉ. यानी संप्रभुता का सिद्धांत जो है ये राज्य के भीतर पदानुक्रम, साथ ही राज्यों के लिए भारी स्वायत्तता शामिल है इसमें. किसी भी राज्य में संप्रभुता उस व्यक्ति या निकाय या संस्था को सौंपी जाती है जिसके पास कानून स्थापित करने के या कानून को बदलने के लिए अंतिम अधिकार होता है. तो इन्होंने थ्योरी जो बताई सोवरेनिटी की बताई है, तो ये ध्यान रखना. तो इनका जो सोवरेनिटी है ना, ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है, ध्यान रखना, यही चीज़ है, आप पढ़ सकते हैं. फिर उसके बाद ईस्टर्न यूरोप को कनेक्शन खत्म होना चाहिए. तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, देखो इन्होंने जो विंस्टन चर्चिल हैं, चर्चिल का इसका मतलब था कि सोवियत जो यूनियन है सेपरेटेड फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज फॉर दैट वे वेस्ट, सो दैट नो वन नो वट द वट वॉज गोइंग है ना बिहाइंड द कर्टेन. तो ये यहाँ पर बोलते हैं कि भाई सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के देशों को पश्चिमी से अलग कर दिया ताकि किसी को पता ना चले कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, और इसीलिए इसे को क्या बोलते हैं, आयरन कर्टेन. ये ध्यान रखना. उसके बाद आपका होमो हिरार्कीज, ये लुइस डुमोट का है ना. लुइस डुमोट होमो हिरार्की से, ये मैंने आप लोगों को बताया था. और जो कॉन्सेप्ट है संस्कृताइजेशन टर्म वो एम एन श्रीनिवास ने बताई थी. अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा देखना, ये जो मैं यहाँ पर जो है ये है आप लोगों का ले क्लासिफिकेशन, ठीक है. तो यहाँ पर देखिए पीटर्स, ये जो हैं चीज़ें इनको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना. उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग.
ठीक है, ब्राह्मण्स, पीटर्स हो गए, क्षत्रिय, ग्योरिस हो गए, वैश्य, कॉमर्स, कमेंस, यहाँ पर देखो कमरकेंट एंड पेयंस हो गए, और शूद्रा कौन हो गए, सर्वेंट्स हो गए। तो यहाँ पर भी इसी तरह से बताया है। ये देखो ये जो है ना, ये कौन बताते हैं, ये होमो हिरार्किस लुइस डुमोट ने बताई है, ठीक है, हमारे यहाँ की तरह ही है बिल्कुल। उसके बाद पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म किसकी है, सी बी मैकपर्सन की है। पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के उसमें भी आई थी ना, तो ये ध्यान रखना। तो इसके अंदर बेसिकली यहाँ पर उन्होंने क्या बताया, एक व्यक्ति को कौशल के एकमात्र मालिक के रूप में देखा जाता है। आपके अंदर कैपेबिलिटी है ना, आपके अंदर कैपेबिलिटी, आपके अंदर क्षमता है, तो उस क्षमता के मालिक कौन हुए, आप हुए। तो वही चीज वो बोलते हैं, वास्तव में मानवीय शक्तियां थी। तो वो पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म के बारे में यही चीज कहते हैं। स्वतंत्रता, समानता, एक दूसरे का पूरक ये हमने कर लिया था वैसे, तो याद रखना। आर एस टोनी लास्की और मैकपर्सन बताते हैं, ठीक है, ये भी चीजें हमने कर ली थी। उसके बाद देखो कंपेयरिंग फेडरल सिस्टम इन 1990s, रोनाल्ड लैम्पमैन वॉट्स। तो ये इन्होंने पॉलिटिकल इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी की बात की थी 1990 के दशक में संघीय प्रणालियों की तुलना विकसित औद्योगिक समाजों के उदाहरण के रूप में अध्ययन किए गए देशों, अमेरिकी, स्विट्जरलैंड, जर्मनी शामिल थे इसके अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये चीज़ें बताई हुई हैं। एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी आप देखोगे तो आप इसे, ये चेस्टर बर्नार्ड की, किसकी है, चेस्टर बर्नार्ड की। तो ये बेसिकली जो आप लोगों की, जिसको जोन ऑफ इंडिफरेंस भी बोलते हैं, ध्यान रखना क्या आ सकता है आपके पेपर में, जोन ऑफ इंडिफरेंस। उसके बाद देखो बर्नार्ड आइडेंटिफाई करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या, उन्होंने सिस्टम को बताया, डीपर्सनलाइजेशन को बताया, और स्पेशलाइजेशन को बताया, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो देयर आर पर्सन एबल टू कम्युनिकेट, है ना, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लाइक बिल्कुल अनअकैडमी, इनफॉर्मल जिसे, फॉर्मल देखो फॉर्मल में एक तरह से आप लोगों का जो आ जाएगा, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर आप लोग, फॉर्मल का अनअकैडमी हो जाएगा, ठीक है, इनफॉर्मल यानी कि कोई भी जैसे दूसरा हो गया, तो ये ध्यान रखना। और इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ इंडिफरेंस जो है आप लोगों का मैंने बता दिया है आपको। फिर आता है एग्लिटेरियन रिसोर्स, एग्लिटेरियन जॉन रॉल्स को बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और एग्लिटेरियन थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है बेसिकली इक्वालिटी इन सेंट्रल टू जस्टिस, इसके लिए क्या है, इक्वालिटी इज अ सेंट्रल टू जस्टिस, और ये एक प्रोमिनेंट ट्रेंड है सोशल पॉलिटिकल फिलोसफी का, ठीक है, ये बहुत ही ये रेलिवेंट हो जाता है मॉरल फिलोसफी में। तो एक जो रॉल्स हैं वो एक समतावादी है, तो ये रॉल्स जो हैं वो न्याय के सिद्धांत को समतावादी हैं, वो निष्पक्षता के सिद्धांत के रूप में ध्यान रखते हैं, वो सामाजिक संयोग को बोझ और लाभ वितरित किया जाता है इनमें, है ना, तो ये ध्यान रखना सारे बच्चे। उसके बाद देखो कम्युनिटेरियन जो आप लोगों के फिलोसफी, जॉन रॉल्स, तो ही वॉज अस 20th सेंचुरी अमेरिकी फिलोसोफर है, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, इनको एग्लिटेरियन फिलोसोफर बोला जाता है ना। अब ये देखो क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कंसीडर जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू, है ना, तो जॉन रॉल्स बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना सारे बच्चे। यहाँ पर भी क्वेश्चंस हैं, जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, उन्होंने टू प्रिंसिपल दिए थे, पहला दिया था आप लोगों को पता ही है, पहला क्या दिया था, लिबर्टी, दूसरा क्या दिया था, इक्वालिटी, इक्वालिटी के अंदर ही डिफरेंस प्रिंसिपल और इक्वल अपॉर्चुनिटी दी थी, ओके। और इन्होंने हार्म प्रिंसिपल, जो हार्म प्रिंसिपल वो तो किसका है, हार्म प्रिंसिपल J.S. मिल का है ना। उसके बाद देखो कैच ऑल पार्टी ऑटो क्रिजीमर की है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल रात भी करवाया है, तो किसने कैच ऑल मॉडल दिया था, कैच ऑल मॉडल ऑटो क्रिजीमर ने दिया था, ठीक है। ये पार्टी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, इंटर रिलेटेड पॉलिटिकल प्रोसेस को बताते हैं, ओके, तो ये ध्यान रखना सारे बच्चे। उसके बाद देखो स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन किसने दिया, थॉमस कुन ने दिया। हाउ डज थॉमस कुन एक्सप्लेन साइंटिफिक रेवोल्यूशन, तो इन्होंने साइंटिफिक रेवोल्यूशन को जो एक्सप्लेन किया, सब वर्ब ऑफ एक्सिस्टिंग ट्रेडिशन ऑफ साइंटिफिक प्रैक्टिस, ये बताते हैं, है ना, इन्होंने ये चीज़ें बताई, यानी वैज्ञानिक अभ्यास के मौजूदा परंपरा को नष्ट कर देती है, ये चीज़ इन्होंने बोली, किसने, थॉमस कुन। तो इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स यहाँ पर आप देख सकते हो, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, साइंटिफिक रेवोल्यूशन है ना, और थॉमस कुन का द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन ये बुक का है, तो ये ध्यान रखना सारे बच्चे। आदमी धर्म के लिए ये तो मैंने आप लोगों को करवा दिया था। अब देखो यहाँ पर कुछ वैसे पॉइंट्स हैं, बहिष्कृत भारत, समता संघ, है ना, डिप्रेस क्लास वेलफेयर, है ना, और बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ग्रेडेड इनइक्वालिटी जो कॉन्सेप्ट है वो अम्बेडकर ने दिया, बायोग्राफी इनकी, वेटिंग फॉर वीजा है, अनटचेबिलिटी पर बोलते हैं, मूक नायक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, है
है ना, इन्होंने अपोज किया गांधी जी को, पंचायती राज को अपोज करते हैं, मॉडर्न मनु बोला जाता है इनको, ट्रू ट्रू सेंटेंस एंड फॉल्स सेंटेंस, ठीक है ये ध्यान रखना। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे इनकी बुक्स हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, मूक नायक है, द प्रॉब्लम ऑफ रुपी है, बहिष्कृत भारत है, जनता है, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, देखो ईयर दिए हुए हैं साथ में, ठीक है आप लोग इनके ईयर याद रखना, फेडरल वर्सेस फ्रीडम है, थॉट ऑफ पाकिस्तान है, रनाडे गांधी जिन्ना है, मिस्टर गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल, वट कांग्रेस गांधी हैव डन टू द अनटचेबल, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया है, स्टेट एंड माइनॉरिटीज है, हूवर द शुद्राज है, महाराष्ट्र एज अ लिंग्विस्टिक प्रोविंस है, द अनटचेबल है, बुद्धा और कार्ल मार्क्स है, बुद्धा एंड इज धम्मा है, ठीक है, रिडल्स इन हिंदुज्म में है, मनु एंड शुद्राज है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर आप देखोगे न्यू फंक्शनलिज्म, ये किसने दी थी, अर्नेस्ट हास ने दी थी, है ना, तो ये न्यू फंक्शनलिज्म अगर आप देखो तो इसका याद रखना, स्पिल ओवर पे बात यही करते हैं। पॉल बरास आप देखोगे तो पॉल बरास इंस्टीट्यूशनलिस्ट रियॉट सिस्टम, ये जो टर्म है इन्वेंट की थी प्रोफेसर पॉल बरान ने, कब की थी, 2004 में, इनकी बुक है द प्रोडक्शन ऑफ हिंदू मुस्लिम वायलेंस इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, ठीक है, तो ये इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड है बच्चों। पॉल बरान ने डिवाइड किया था थ्री फेजेस को, तो इन्होंने PAE आप करके याद रखना, प्रिपरेशन एक्टिवेशन और एक्सप्लेनेशन, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद देखो ये पॉल ब्रास की बुक्स हैं, आप लोग देख सकते हो, ये आपकी एन इंडियन पॉलिटिकल लाइफ है, पॉल ब्रास की है, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन सिंस इंडिपेंडेंस है, रियॉट्स एंड प्रो प्रो ये आपके पोग्रोम्स है, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ कलेक्टिव वायलेंस है। उसके बाद आपके पेट्रोनेज डेमोक्रेसी पर जो बात करते हैं वो कौन है, कंचन चंद्रा, ठीक है, वो कौन है, कंचन चंद्रा, तो ये ध्यान रखना। वाई एथनिक पार्टी सक्सीड, ये एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका आप लोग ये ना थोड़ा सा रोक कर इसे पढ़ लेना, क्योंकि मुझे काफ़ी सारा आप लोगों को कराना है, इसीलिए मैं आगे चल रही हूँ, आप इसे रोक के पढ़ लेना एक बार, ठीक है। तो गवर्नमेंट द्रौपदी भट्टाचार्य की देखो बुक्स मैंने यहाँ पर बता दी हैं आप लोगों को, ठीक है, बुक्स हैं यहाँ पर, तो इनको ये याद रखना। और नॉलेज ऑफ पावर है माइकल फुकोल्ट, ठीक है, और उसके बाद फिर आगे चलते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट पावर्स ऑफ, डिस्कस माइकल फुकोल्ट, ये वाले जो बुक्स है ना बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो उन्होंने सोवरेन पावर, डिसिप्लिनरी पावर, रेगुलेटरी पावर, है ना, उसके बाद देखो यहाँ पर माइकल फुकोल्ट ने मेंटेन किया पावर को, ठीक है, यहाँ पर सोवरेन पावर को बताया, डिसिप्लिनरी पावर, रेगुलेटरी पावर, ठीक है, एक और वो पावर बताते हैं, ठीक है, वो एक और पावर बताते हैं, आई थिंक आप लोगों की थी पेट्रोनेज पावर, ये ध्यान रखना, इन्होंने पेट्रोनेज पावर भी बताई थी, ठीक है, क्या बताते हैं, पेट्रोनेज पावर, तो जो आप लोगों के फकोल्ट हैं, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना सारे बच्चे, हाँ सोवरन, डिसिप्लिनरी, रेगुलेटरी और पेट्रोनेज। उसके बाद रॉबर्ट कॉक्स पे आ जाओ, देयर इज ऑलवेज फॉर समवन फॉर सम पर्पस, तो सिद्धांत हमेशा किसी के लिए, किसी उद्देश्य के लिए होते हैं, ये रॉबर्ट कॉक्स कहते हैं, ऐसा इन्होंने क्यों बोला, तो सिद्धांत हमेशा किसी उद्देश्य के लिए होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन जब कर रहे होते हैं ये, इन्होंने जब स्टडी किया इंटरनेशनल रिलेशन को, तो इस आर्ग्यूमेंट में वो असर्ट करते हैं कि जो ऑल थ्योरीज होती है ना वो वैल्यू लेडियन होती है, मतलब वो मूल्य उनमें कुछ ना कुछ निहित होता है, वो बहुत ही मूल्यवान होती है, उनका कुछ अपना उद्देश्य होता है, इस प्रकार वस्तुनिष्ठ सिद्धांत नहीं है और ना ही हो सकता है, ठीक है, वो कहते हैं कि कोई देर इज अ नो एंड कैन नॉट बी एन ऑब्जेक्टिव थ्योरी, ठीक है, रॉबर्ट कॉक्स एक क्रिटिकल थ्योरिस्ट है, तो यस, ठीक है, ये ध्यान रखना, प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी को बताते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद देखो स्ट्रगल फॉर पावर, अगर आप देखो तो मॉर्गन थाउ की है, ये रियलिस्ट स्कूल के हैं, और पॉलिटिक्स अमंग नेशन इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, द स्ट्रगल फॉर पावर पीस इज पॉलिटिकल साइंस, ये मॉर्गन थाउ ने पब्लिश की थी 1948 में। उसके बाद देखो क्लासिकल रियलिज्म, जो हंस मॉर्गन थाउ हैं, इन्होंने ह्यूमन नेचर को बताया है ना, ह्यूमन नेचर के अंदर क्या है ना, ह्यूमन नेचर के अंदर रूट है, ये ध्यान रखना। मॉर्गन थाउ जो है बेसिकली सिक्स प्रिंसिपल्स को बताते हैं, और ये सिक्स प्रिंसिपल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये ध्यान रखना, ये सिक्स प्रिंसिपल ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, ओके, ये सिक्स प्रिंसिपल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे आते हैं हम लोग,
वट आर द वुमेन, तो ये सिंथिया इन लॉ, सिंथिया इन लॉ अगर आप देखोगे, ये सब इन्होंने सर्व किया चेयर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और डायरेक्टर ऑफ वुमेन रही, ठीक है, कहाँ पर, क्लार्क यूनिवर्सिटी। तो ये यहाँ पर अगर आप देखो तो इन्होंने रिसर्च प्रोफेसर, इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, उसके बाद सन ऑफ द सॉइल, माइग्रेशन एंड एथिक्स कन्फ्लिक्ट इन इंडिया, तो ये मायरन विनर का है। तो मायरन विनर जो स्टडी करते हैं वो इंटरनल माइग्रेशन और एथनिक कन्फ्लिक्ट इंडिया के अंदर बताते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इन्होंने फोकस किया था इंटर कल्चरल इंटर स्टेट माइग्रेशन पर, ओके, तो ये ध्यान रखिएगा सारे बच्चे। उसके बाद आगे चलते हैं, द हिंदू नेशनलिस्ट नेशनल मूवमेंट, ये जो है एरिटोफर जेफर्ट जेफरेट का है, ठीक है, और ये ध्यान रखना सारे बच्चे, इसको आप लोग पढ़ सकते हो। फिर आता है फंडामेंटल रिसर्च इन एडमिनिस्ट्रेशन, हर्बर्ट साइमन की बुक है, हर्बर्ट साइमन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर है 1947 की, डिसीजन मेकिंग को बताया था, सीआईडी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, पहले आपको इंटेलिजेंस लगाना है, उसके बाद फिर डिजाइन करनी है, उसके बाद चूज कर लेना है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो हर्बर्ट साइमन ने जो प्रिंसिपल्स बताए एडमिनिस्ट्रेशन के, एक स्पेशलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, पर्पस, प्रोसेस, क्लाइंटल, प्लेस, अरेंज करते हैं, डिटरमाइंड हायरार्की ऑफ अथॉरिटी को, लिमिट करते हैं स्पेन ऑफ कंट्रोल को। हर्बर्ट साइमन की थ्योरी अगर आप देखोगे तो ये बाउंडेड रैशनैलिटी को इन्होंने बताया है, किसको बताया है, बाउंडेड रैशनैलिटी को, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन किसका है, एमपी फॉलेट का है, एमपी फॉलेट ने कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट की बात की, ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन एल्टन माओ का है, माओ ने बेसिकली यहाँ पर जो बात की थी आपकी, तो माओ जो है आप लोगों के हॉर्थन एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, हॉर्थन एक्सपेरिमेंट, न्यू पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट ये है फ्रांसिस लिकर्ट की, ओके, सोशल ओरिजिन ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी आप देखोगे बैरिंगटन मूर की, ये बुक जो आप देख रहे हो ये वाली है ये, ठीक है, ये पब्लिश 1966 में हुई थी, ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद अगर आप देखो प्रॉब्लम ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन एंड कंसोलिडेशन है, तो जॉन ज्विलिज की है, ये चीज़ें मैंने आप लोगों को ये करवा दी थी, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को करवा दी थी, अगर आपको दोबारा से पढ़नी हो तो ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है, ये मैं आपको आगे लेके चल रही हूँ, क्योंकि मैंने इसी के अंदर सारा ये जो है ऐड, ये सारा इसी में ऐड है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, ये 90 पॉइंट्स आप लोगों ने कर लिए थे, है ना, तो ये 90 पॉइंट्स हो गए थे। अच्छा, करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं, करंट अफेयर जो आप देखोगे तो COP26 होस्ट किसने की है, यूके ने की है, इजिप्ट होस्ट करेगा 2022 की COP27, है ना, COP28 कौन करेगा भाई, COP28 होस्ट करेगा यूनाइटेड आप लोगों का यूएई, है ना, एमिरेट्स, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद इंडिया ने पार्टिसिपेट किया बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज एक्स शक्ति 2021, तो किसके साथ हुई थी, फ्रांस के साथ हुई थी, 15 नवंबर 2021 को हुई थी, कहाँ पर हुई थी, फ्रेंच पोर्ट पर हुई थी। रशिया ने डिजाइन किया है वर्ल्ड फर्स्ट हेलीकॉप्टर इंजेक्शन सीट को, ये ध्यान रखना। चाइना ने लॉन्च किया है फेग्यून 3E, वर्ल्ड फर्स्ट अर्ली मॉर्निंग वेदर सैटेलाइट है ये, और इसको लॉन्च जुलाई 2021 में किया गया। SCO की 2021 में बच्चों आपको पता ही है फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी, तजाकिस्तान में हुई थी, ग्वालियर और ओरछा सिटीज मध्य प्रदेश की, इनको यूनेस्को ने हिस्टोरियन अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के अंदर क्या किया है, सिलेक्ट किया है, ओके, तो ये ध्यान रखना सारे बच्चे। उसके बाद अगर आप देखो भूपेंद्र यादव, अगर आप देखो तो इन्वायरमेंटल यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्टर थे, जो जिन्होंने रिप्रेजेंट किया G20 का जो मिनिस्टर इन्वायरमेंटल मिनिस्टर मीटिंग थी 2021 की इटली में, है ना, तो G20 फॉर्म कब हुआ था, 1999 में हुआ था। जो OIC है यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेद्दा सऊदी अरबिया में। Which country wanted to organize emerge meeting of United Nation? तो किसने अरेंज करने के लिए बोली थी भाई, जल्दी इमरजेंसी मीटिंग किसने बुलाई थी, अफगानिस्तान ने बुलाई थी, याद है ना। उसके बाद दुनिया भर में पहला राष्ट्रीय भूस्थानिक सूचनात्मक कांग्रेस, हर चार साल की बैठक मेजबानी होती है इसकी, UNWGIC याद रखना, ये क्या है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाइड जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन कांग्रेस है, ओके, ये ध्यान रखना। उसके बाद जो फर्स्ट UNWGIC जो एक तरह से हुई है आप लोगों की, ठीक है, तो ये जो हेल्ड हुई है ये कब हुई है, तो ये पहली हुई थी 2018 में, और जो अब होगी, है ना, अब होगी जो सेकंड होगी, तो वो होगी इंडिया में 2022 में, कहाँ पर होगी, हैदराबाद में होगी, ये ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। UNWGIC, दोबारा नाम सुन लो, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाइड जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन कांग्रेस है इसका पूरा नाम। ब्रिक्स अगर आप देखो, ब्रिक्स की एग्रीकल्चर जो रिसर्च प्लेटफॉर्म है इसको इनोग्रेट किया गया है न्यू दिल्ली में, है ना, मिनिस्टर ने एड्रेस किया 11th मीटिंग ब्रिक्स की, तो ये 27 अगस्त 2021 को हुई थी, है ना, तो यहाँ पर ध्यान रखना। ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्रो
एग्रो बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान यहाँ पर डिसाइड किया गया। इंडियन नेवी ने पहली बार एक एक्सरसाइज हुई है एक कंट्री के साथ, और वो कंट्री है अल्जीरियन। तो ये पूछा जा सकता है इंडियन नेवी ने पहली बार किसके साथ एक्सरसाइज की है, तो नेवी ने की है किसके साथ, अल्जीरियन के साथ। तब की थी 29 अगस्त 2021 को की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सी कंट्री कैटेगराइज की जाती है इंडिया एज अ कंट्री ऑफ कंसर्न ऑन क्लाइमेट, तो यूएसए। ठीक है, इसको कंसर्न, इंडिया को कंसर्न माना कि इंडिया जो है वो चिंता है, इंडिया बहुत बड़ी चिंता है ना, ये बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट को क्लाइमेट को खराब कर रहा है, तो ये यूएसए ने बोला था। उसके बाद ब्रिक्स नेशन ने अपोज किया है कार्बन बॉर्डर टैक्स अपोज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, तो ब्रिक्स नेशन अपोज द कार्बन बॉर्डर टैक्स। जो कार्बन बॉर्डर टैक्स है तो इसको ब्रिक्स नेशन ने अपोज किया, तो ये किस किस से रिलेटेड है, ये यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है, ध्यान रखना। अब कौन सी कंट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया था इनोवेटिव फॉर यू, तो ये किया था नीति आयोग ने। किसने किया था, नीति आयोग ने, मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिनक्रिस 4A लॉन्च की है फ्रांस ने। पीएम नरेंद्र मोदी जी 16 समिट में गए थे इटली में, अभी आप सभी को पता ही है इटली गए हुए थे 30 से 31 अक्टूबर, है ना। और हमारी इंडियन ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेड में हमारी रैंक क्या आई है, तो हमारी रैंक है 9th। हमारी रैंक कितनी है, 9th रैंक है। इंडिया और किस कंट्री ने डिसाइड किया है एक न्यू टास्क, क्योंकि वो प्रमोट करेंगे डिफेंस कोऑपरेशन को 15th ऑफ दी वर्किंग ग्रुप, तो ये है इसराइल, इसराइल ने किया है। G20 समिट जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम है, इसने लॉन्च किया था इंटरनेशनल मिथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी, ठीक है ये ध्यान रखना। उसके बाद आता है आपका एक UNEP जो है आप लोगों का, इसने लॉन्च किया एक ग्लोबल वॉचडॉग, ये ग्लोबल वॉचडॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ये पूछ सकते हैं कि किससे रिलेटेड है, किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। एक वैश्विक प्रहरी का अर्थ है एक अभिभावक या रक्षा जो चोरी या कचरे अवैध अभ्यास के खिलाफ है, ठीक है ये गार्जियन है, ये वॉचडॉग जो है गार्जियन या डिफेंडर है जो थेफ्ट और इलीगल प्रैक्टिस और वेस्ट के बिल्कुल खिलाफ है, ठीक है इसको लॉन्च UNEP ने किया, कहाँ किस किस में, यूरोपियन यूनियन के उसमें। कौन सी कंट्री ने होस्ट किया वन ग्लोबल वियतनाम पेरिस समिट को, तो फ्रांस ने किया। आमंड अगर आप देखो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन प्राइमरी एजेंट बताते हैं फैमिली एंड सोशल क्लास को। उसके बाद नॉन अलाइनमेंट जो कॉइन की थी वो वी के मैनन ने की थी, नॉन अलाइनमेंट टर्म कॉइन किसने की, वी के मैनन ने। और इन्होंने स्पीच दी थी यूनाइटेड स्टेट में 1953 को, ठीक है जवाहरलाल नेहरू डिसाइडेड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद एजुकेशन वाइल्ड एनिमल मेजर एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस ट्रांसफॉर्म फ्रॉम लिस्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट, है ना आप लोगों को पता है एजुकेशन को, वाइल्ड एनिमल को, वेट एंड मेजर को, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जस्टिस को, तो ये क्या है कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, है ना। और एक और है आप लोगों का एजुकेशन हो गई, वाइल्ड एनिमल हो गया, वेट एंड मेजर, वेट हो गया आपका अलग और मेजर हो गया अलग, तो ये 5 थे जो आपके स्टेट लिस्ट से हटा के कॉन्करेंट में डाले गए थे। उसके बाद इंटरनेशनल वॉर में आते हैं जस इन बेलो, जस एड बेलम, जस पोस्ट बेलम। जस इन बेलो का मतलब होता है लॉज ऑफ द वॉर, जस्ट एट बैलम का मतलब होता है रीजंस ऑफ दी वॉर, और जस्ट पोस्ट बैलम का मतलब होता है जस्टिस आफ्टर वॉर, ठीक है ये ध्यान रखना। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है ये टर्म अगर आप देखो किसने कॉइन की थी, क्रिस्टोफर हुड ने। अब यहाँ पर कुछ ट्रिक्स हैं, आर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात आए तो वो एल्डी वाइट होंगे, आर्ट प्लस साइंस की बात आए तो वो डाइड वाइट वॉल्ड होंगे, अगर साइंस और एडमिनिस्ट्रेशन की बात आए तो वो गुलिक होंगे, लोकल स्टेट सेंटर की अगर डेफिनेशन में बात हो रही हो तो वो साइमन होंगे, एक्सरे मशीन की बात आए तो फिफनर होंगे, हाउ व्हाट की बात आए तो डिमोक होंगे, एक्चुअल कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट अफेयर्स की बात आएगी तो वो कौन होंगे, वो विलोबी होंगे, ठीक है मैन एंड मटेरियल की यहाँ पर लिखा नहीं है मैं लिख देती हूँ, वो विलोबी होंगे, ठीक है ध्यान रखना विलोबी होंगे वो, एक्चुअल कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट अफेयर्स की बात आए, मैन एंड मटेरियल की बात आए तो निग्रो होंगे, निग्रो कौन होंगे, निग्रो। टेक्निकल डिस्टिंक्शन और पॉलिटिकल, जो देखो टेक्निकल डिस्टिंक्शन कौन करता है पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, तो वो गुडनो करते हैं, नॉर्मल डिस्टिंक्शन कौन करता है, वुड्रो विल्सन करते हैं। कासी जुडिशियल सेमी साइंटिफिक है ना, वुड्रो 4 P's आप सबको पता है, पर्सन प्लेस पर्पस प्रोसेस, ये गुलिक ने दिए थे। 4 P's प्लान प्रोग्राम प्रोजेक्ट पॉलिसी, ये किसने दिए थे, डोनाल्ड सी स्टोन ने, ठीक है डोनाल्ड सी स्टोन, तो ये ध्यान रखना, ये नाम आपको ध्यान रखना है डोनाल्ड सी स्टोन, ठीक है यहाँ पर रोनाल्ड हो गया, यहाँ डोनाल्ड हो जाएगा, ठीक है ये ध्यान रखना। प्लेटो का जो आइडल स्टेट है ना, डिडक्टिव मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, एलोगेरी ऑफ केव है, जस्टिस मोरल है, वन पर्सन वन मैन वन क्लास वन ड्यूटी, फिलोसोफर किंग की बात की है ना, और अगस्त कॉम्टे पॉजिटिविस्ट हैं। उसके बाद अगर आप देखो रूजवेल्ट ने 5 स्टेजेस बताई थी, कितनी स्टेजेस बताई थी, 5 स्टेजेस,
अच्छा ये रोजवेल्ट की है, सॉरी मुझे लगा रोस्तो की है, तो ये चार बताते हैं, सॉरी अरे 2 मिनट रुको। ठीक है देखो, फोर स्टेज फोर फ्रीडम्स बताई थी जब उन्होंने कांग्रेस को जो भेजा था पत्र, तो उसमें चार फ्रीडम की बात की थी, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की है ना, लिबर्टी फ्रॉम फियर की, लिबर्टी फ्रॉम वर्शिप की, और लिबर्टी फ्रॉम पॉवर्टी की थी, तो ये ध्यान रखना। अलाइट थिंकर पैरेटो जो है वो सर्कुलेशन ऑफ अलाइट की बात करते हैं, बुक है माइंड एंड सोसाइटी, मोस्का पॉलिटिकल एंड जो एक पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल की बात करते हैं, सी राइट माइल पावर अलाइट की बात करते हैं, और बर्लिन ने सॉरी बरहिम, बरहिम नाम होगा, क्या वो नाम होगा, बरहिम। ठीक है थोड़ी सी है भाई कुछ प्रॉब्लम्स, ठीक है मैं आप लोगों को वैसे बताती चल रही हूँ, आप लिखते चलना। बरहिम, बर्नहम, ठीक है बरहिम नाम सब आपको याद ही होगा। ये स्टेट रेवोल्यूशन और मैनेजियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं। जॉन रॉल्स ने क्रिटिसाइज किया था यूटिलिटेरियनिज्म को, रॉल्स को नॉजिक हयात मिल्टन अमर्त्य सेन क्रिटिक करते हैं। ठीक है थ्योरी इन्होंने वेल ऑफ इग्नोरेंस की दी थी। उसके बाद देखो वर्ल्ड बैंक का यहाँ पर ईयर दिया हुआ है ना, मीगा का ईयर है, IFC का ईयर है, ये याद रखना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस मेनली कंसर्न करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑनर्स ऑफ वेल्थ पे, है ना, क्रिटिक ये प्लेटो को करते हैं, कम्युनिज्म को प्लेटो, इनको कम्युनिज्म की थ्योरी को क्रिटिक किया, 158 कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया, मटेरियल फॉर्मल एफिशिएंट फाइनल कॉज को बताया, मैथडोलॉजी इंडक्टिव है, फादर हैं ये पॉलिटिकल साइंस के, विमेन को सबॉर्डिनेट मानते हैं। मैप को तोड़ दो, मैप को तोड़ दो का मतलब है मैप इट इज अ गुड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एंड तोड़ दो इज अ वर्स फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ओके एम फॉर मोनार्की, ए फॉर एरिस्टोक्रेसी, पी फॉर पॉलिटी, टी फॉर ट्रेनी, ओ फॉर ऑलिगार्की, एंड डी फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है ये ध्यान रखना, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, पॉलिटी, मैंने पूरा यहाँ पर देखो ये पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, दीज आर द शेड्यूल। अगर आपको शेड्यूल याद होंगे, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप गलत नहीं कर पाओगे। टी फॉर टेरिटरी, ई फॉर इमोल्यूमेंट्स, ए फॉर अफर्मेशन, आर फॉर राज्यसभा, एस फॉर शेड्यूल एरिया, ओ फॉर अदर शेड्यूल एरिया, एल फॉर लैंड रिफॉर्म, डी फॉर एंटी डिफेक्शन, पी फॉर पंचायती राज, और एम फॉर म्यूनिसपैलिटी। ठीक है ये ध्यान रखना। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, इनका आर्टिकल आपको ध्यान रखना है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का 338 है, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब का 338 का ए, 338 का ए है, और नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास का 338 का बी है, ये ध्यान रखना। बांडुंग कॉन्फ्रेंस 1955 में हुई थी, ठीक है, और अंबेडकर जो बोलते हैं वी आर गोइंग टू एंटर इनटू लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इन पॉलिटिकल, वी शैल हैव इक्वलिटी एंड सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, वी हैव अनइक्वली, है ना। डॉक्टर जो डॉक्टर अंबेडकर मेक अ प्ली फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, डिप्रेस क्लासेस वो चाहते थे ना, अनटचेबिलिटी, दलित एंड मॉडर्न इंडिया, ये ध्यान रखना। अगस्त कॉम्टे इज फादर ऑफ पॉजिटिविज्म, थॉमस हॉब्स एब्सोल्यूट सोवरेनिटी है इनकी, लॉक की लिमिटेड है ना, और रूसो का दे रखा है यहाँ पर इंडियन, ये चीज़ें ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद देखो दूसरी जो बुक्स हैं यहाँ पर, ये बुक्स आप लोगों को ध्यान रखनी है, जैसे अलेक्जी टॉकविल की है डेमोक्रेसी इन अमेरिका, विलियम किमलिका की है मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप, मॉरिस ड्वेगर की पॉलिटिकल पार्टीज, है ना, ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, तो ये ध्यान रखना। ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल का पहली बार क्रिएट किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। राइट गिव टू एनी पर्सन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पर जो है बेसिकली आपको आर्टिकल दिए हुए हैं, है ना, संस्कृताइजेशन टर्म हो गई, फुड्रो विल्सन फादर हैं, बेसिक स्ट्रक्चर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात केशवानंद ने की, सेक्युलर एंड जो आप लोगों का देखो ये रहा, ठीक है, फेडरल करेक्टर रिव्यू, मिनर्वा केस, जुडिशियल रिव्यू, तो कौन बोलते हैं देखो यहाँ पर आप देखोगे फुलफिलमेंट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, है ना, तो ELD वाइट हो गए, किन्होंने सॉफ्टवेयर स्टेट को क्वाइन किया था, किसने यूज किया, गुन्नर मृदल ने, है ना, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद देखो आगे चलते हैं हम लोग, जी ये देखो जीन फ्रकोइज लियोतार्ड तो आपको पता ही है, डी फॉर डेरेडा एंड डी फॉर विल टू पावर की बात फेडरिक नीत्से ने की थी, उन्होंने रिजेक्ट किया था मोरल, और नीत से क्या बोलते हैं, गॉड इज डेड, भगवान मर चुका है ना, और इन्होंने बेसिकली विल टू पावर की बात की, बीइंग एंड टाइम है, डोमिनेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है, मार्टिन हेडेगर तकनीकी दबदबे की बात करते हैं, है ना, और लियोतार्ड ने मेटा नेटिव्स की बात की, पोस्ट मॉडर्न कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। अब आप सोच रहे होगे मैम ने कल भी पोस्ट मॉडर्निज्म कराया था, आज भी, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा। पावर एंड नॉलेज पर बात माइकल फुकोल्ट करते हैं, ट्रुथ ऑलवेज बींग अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, है ना, सत्य हमेशा सामाजिक निर्माण होता है ये बोलते हैं, ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी माइकल फुकोल्ट की है, डी कंस्ट्रक्शन जैक्स डेरिडा का है, ओके
उसके बाद जैक्स डेरिडा रिजेक्ट करते हैं देर इज अ इनडिफरेंसेज ऑफ लैंग्वेज. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ इनडिफरेंसेज किसका है? जैक्स डेरिडा का है. राइटिंग डिफरेंसेज मार्जिन ऑफ फिलोसफी ये किसकी है? स्पेक्टर्स ऑफ मार्क्स डेरिडा की. ये देखो यहाँ पर अगर आप देखो रिचर्ड रॉर्टी इन्होंने रिजेक्ट किया था ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू को कि कैन बी जज बिलीव कैन बी जज. ठीक है, यानी विश्वास को विश्वास का न्याय किया जा सकता है, रिचर्ड रॉर्टी. फिर उसके बाद प्रेग्मेटिज्म रिचर्ड रॉर्टी का है. ठीक है, कंटीजेंसी आयरन एंड सॉलिडेरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है. ये देखो सारे थिंकर्स हैं. ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर नहीं है. इन्होंने रिजेक्ट किया पॉलिटिकल थ्योरी को, इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री ऑफ आइडियाज रेलिवेंस, है ना, ये चीजें ध्यान रखना सारे बच्चे. अब देखो ये बिहेवियरिज्म है, एट इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन बताए गए थे बिहेवियरिज्म के, तो आरसीटी करवा के वापस क्यों आई, इसका ये क्या है ट्रिक है. तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है, आर फॉर रेगुलरिटीज, वी फॉर वर्टिफिकेशन टू कमिटमेंट, टी फॉर टेक्निक, वी फॉर वैल्यू, पी फॉर प्योर साइंस, एस फॉर सिस्टमाइजेशन, क्यू फॉर क्वांटिफिकेशन और आई फॉर इंटीग्रिटी. उसके बाद एट फाउंडेशन स्टोन डेविड ईस्टन ने दिए थे, क्रिटिक किसने किया था? लियो स्ट्रॉस ने किया था. पॉलिटिकल थ्योरी मर चुकी है, तो ये कौन बोलते हैं? कॉबन बोलते हैं. ठीक है, कौन बोलते हैं? कॉबन. उसके बाद पॉलिटिकल थ्योरी इज अ डॉग हाउस ये किसने कहा था? पॉलिटिकल थ्योरी इज अ डॉग हाउस ये रीमर बोलते हैं. पॉलिटिकल थ्योरी इज डेड, रॉबर्ट डहल एंड पीटर लास्टलेट. उसके बाद रिजेक्ट करते हैं बिहेवियरिज्म को एज अ नरेटिव इंडक्टिव व्यू कहकर, तो ये किसने किया था? हैम्पर और पॉपर ने. क्रेडो ऑफ रेलेवेंस किससे रिलेटेड है? पोस्ट बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है. फिर यहाँ पर सेवन टेनेट्स बताते हैं. उसके बाद आगे चलते हैं, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन जर्गन हैबरमास की है. क्राइसिस टेंडेंसीज जर्गन हैबरमास, टूवर्ड्स रैशनल सोसाइटी लेजिस्टिमेशन क्राइसिस, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस हैबरमास की है. कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी कॉन्सेप्ट किसने दिया? माइकल वॉल्जर ने दिया. रॉल्स थ्योरी जो बेस्ड थी सिंपल इक्वालिटी पर, है ना, ये ध्यान रखना. लक एग्लिटेरियन थिंकर ड्वर्किन है, कोहन है, थॉमस नागई है, जॉन जॉन रीमर है, टेरी टैमकिन है. ब्रूट लक एंड ऑप्शन लक में डिस्टिंक्शन कौन करता है? तो ड्वर्किन करते हैं, ध्यान रखना. ठीक है, एंड जो इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस किसने दी थी? रॉबर्ट नॉजिक ने. प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर बताया, प्रिंसिपल जस्ट इन एक्वेशन बताया, और प्रिंसिपल रेक्टिफिकेशन ऑफ द जस्ट इनजस्टिस. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. उसके बाद हम चलते हैं आगे, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशन एरिक जॉब हॉब्स का है. ठीक है, इमेजिन कम्युनिटीज तो आपको पता ही है, प्रिंट मीडिया, प्रिंट कैपिटलिज्म, बेंडिक एडरसन की, डेरिवेटिव डिस्कर्स पार्थ चटर्जी, और पार्थ चटर्जी क्रिटिक करते हैं बेंडिक्ट एडरसन को. मैन एंड सोसाइटी पैरेटो का है. इनइक्वालिटी इनविटेबल इन सोसाइटी, है ना. हिरार्की इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ द एरिस्टोक्रेसी, तो ये पैरेटो ने बोला था कि इतिहास कुलीनों की कब्रिस्तान है. इतिहास कुलीनों की कब्रिस्तान, ये किसने बोला था? ये बोला था पैरेटो ने. ठीक है, उसके बाद देखो पैरेटो ने सिक्स रेजिड्यू बताए थे मेजर मोटिवेशन के, तो ये क्या थे? कॉम्बिनेशन, परसिस्टेंस, एक्सप्रेसिवनेस, सोशिबिलिटी, इंटीग्रेशन, सेक्स. इंपॉर्टेंट सर्कुलेशन ऑफ इलाइट अगर आप देखो, नॉन गवर्निंग इलाइट, सिक्स टाइप ऑफ रेसिड्यू, ये सारे यही बताते हैं. 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ बना था और इंडिया इसका मेंबर बना 30 अक्टूबर 1945 को. अब बात करते हैं हम लोग आगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की. तो ट्रेडिशनल अप्रोच एम्फेसिस किस पर करती है? ये वैल्यू लेडेन अप्रोच है ना, और जो मॉडर्न अप्रोच है वो फैक्ट लेडेन अप्रोच है. इतना याद रखना, और बाकी पढ़ लेना. मैं आप लोगों को जो ये चीज करवा रही हूँ ना, तो ये आपको पढ़नी है पूरी पूरी. मैं पूरा पूरा नहीं पढ़ के बताऊंगी आपको. ठीक है, एंटोनियो ग्रामसी ने डिस्टिंक्शन किया था ट्रेडिशनल और ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल में. प्रिजन नोटबुक बुक है. हेजेमनी बताते हैं सिविल सोसाइटी बेस्ट है. मॉडर्न प्रिंस सीपीआई को बोलते हैं. न्यू मार्क्सिस्ट जो है फुकोल्ट सबल्टन स्कूल के फाउंडेशन है. टू टाइप्स के वॉर बताए थे, मोनरोवस वॉर और वॉर ऑफ पोजिशन. फिर आते हैं हम लोग फ्रेंच बुक पर. ब्लैक स्किन व्हाइट मास है ना, डाइंग कॉलोनिज्म है, रेस्ट ऑफ दी अर्थ है, नेग्रीट्यूड. लोकपाल जो सबसे पहले आया वो महाराष्ट्र में आया था. टूवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट विमेन से रिलेटेड थी, ये हमने कर लिया है. टिकनर भी हो गया. एलन आर बॉल सेवन क्लासिफिकेशन मॉडल बताते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के. ठीक है, उसके बाद पार्लियामेंट जो है 368 से तीन तरीके से अमेंडमेंट कर सकती है, सिंपल से और सिंपल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से, और हाफ स्टेट हाफ स्पेशल प्लस हाफ रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट से. ठीक है, फिर उसके पास कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स है, किसकी? रजनी कोठारी की. ठीक है, नरेगा अगर आप देखो तो 2005 का इफेक्ट में 2006 में आया, नाम चेंज कब हुआ? 2009 में हुआ.
गांधी हिंद स्वराज इंडियन होम रूल रिटन इन 1907 और पब्लिश हुई 1909, ठीक है। उसके बाद ये जेएस मिल के बारे में है, आप पढ़ लेना इसके बारे में, ठीक है। सारे बच्चे जो मैं आप लोगों को रिवीजन करवाती हूँ ना बार बार, वही सारी चीजें हैं, ये वही सारी चीजें हैं, आप इन्हें जरूर पढ़ना। मैं आप लोगों को रोक रोक के लेके जो चल रही हूँ, ये इसीलिए चल रही हूँ, प्रॉपर्टीज ध्यान रखना। प्रॉपर्टीज हैं आप लोगों की किसकी, पॉलिटिकल सिस्टम की, अकॉर्डिंग टू गैब्रियल आमंड, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, इंटरडिपेंडेंस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ बाउंड्रीज, तो ये ध्यान रखना सारे। उसके बाद देखो, क्लीन इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 2014, और क्रेन ब्रिंटन रेवोल्यूशन कंपेयर करते हैं फीवर के साथ, मोहम्मद बिन तुगलक ट्राई टू कर्व द पावर, है ना। अब ये प्रेसिडेंट्स हैं तो ये ध्यान रखना, ये प्रेसिडेंट काफी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार आए थे तो आप लोग इनका ध्यान रखना। उसके बाद हीगल सिविल सोसाइटी को नीड्स बताते हैं, है ना। मार्क्स ने सिविल सोसाइटी को थिएटर बोला था, धर्म को अफीम मानते हैं, है ना। सेंट ऑगस्टाइन ने टू सेट्स थ्योरी बताई, दीनदयाल उपाध्याय से इनकी मंथली मैगजीन राजधर्मा है, जनसंघ है, पंचजन्य है, इंटरगल ह्यूमनिज्म है, पॉलिटिकल डायरी है, टू प्लानिंग है, सारी चीजें देख लेना एक बार, आप लोगों को काफी अच्छे से चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। ये देखिए, ये सारी चीजें आप लोग कर लेना। उसके बाद देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इसमें समानता करने वाले जो लोग हैं, तो आपको ये देखो ट्रिक बनवाई थी, JP2H यानी जोसिया स्टैम्प, पॉल एप्लबी, है ना, पीटर ड्रकर और हर्बर्ट साइमन, तो ये ध्यान रखना। और उसके बाद आप लोगों का उफ करके हो जाएगा उर्विक, ठीक है, उर्विक हो जाएगा, फ्योल हो जाएगा और एमपी फॉलेट हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। परस्यूट ऑफ लक्ष्मी है रुडोल्फ की, बुलोक कैपिटलिज्म की बात इन्होंने की है, डिमांड एंड कमांड पॉलिटी की बात करते हैं, टैगोर जो ट्रैवल करते हैं जापान एंड अमेरिका उन्होंने ट्रैवल किया था, है ना, ये चीज ध्यान रखना। पॉल बनान एंड नॉर्मन बेंजामिन तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट को एज अ पॉलिटिकल प्रिक्वेस्टिक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बताते हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट को पॉलिटिकल इंडस्ट्रियल सोसाइटी के तौर पे WW रोस्तो ने बताया, पॉलिटिकल डेवलपमेंट को पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन लिप्सेट और कार्ल डच कोलमैन बताते हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट को नेशन स्टेट एडवर्ड शील बताते हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट को लीगल डेवलपमेंट मैक्स वेबर और टालकन पार्सन बताते हैं, एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट लूसियन पाई की है, बाकी चीजें ध्यान रखना, ठीक है। ये जितनी भी चीजें हैं आप लोग इन्हें ध्यान रखना, ह्यूमन साइकिल है ना, अरबिंदो घोष की है, ठीक है, पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्नाइशन है, चार्ल्स टेलर किमलिका की है, लीगल एग्लिटेरियन मल्टीकल्चरलिज्म, ठीक है, भीखू पारेख की भी है। यहाँ पर वेव्स मैंने आप लोगों को करा दी थी, वेव्स का ध्यान रखना, ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो, एलेक्स डी टॉकविल ने फ्रेंच पॉलिटिकल थिंकर, है ना, हिस्टोरियन, एसोसिएशनलिज्म इनसे रिलेटेड है, माइकल ऑक्शॉट ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल थिंकर जिन्होंने, ये इंग्लिश स्पीकिंग पीपल हैं, ये मेजर कंट्रीब्यूशन जो रहा इनका कंजर्वेटिव ट्रेडिशन में रहा, है ना, बुक है रैशनलिज्म इन पॉलिटिकल एंड अदर एसे ऑन ह्यूमन कंडक्ट, डेविड ह्यूम जो है अपोज करते हैं इंटेलेक्चुअल पीपल को, है ना, टू प्रिंसिपल सोली सेंगिन्स करके बताए थे, सोली मतलब होता है देखो, जस्ट सोली मतलब देखो, ये पेपर में आया है, ये पेपर में इस बार आया है DU के, आपके पेपर में ये आ सकता है, तो ये ध्यान रखना। देखो जस्ट सोली मतलब होता है वो सिटीजन होते हैं जो जिनका जन्म जहां पर होता है, अगर मान लो भारत में आपका जन्म हुआ है तो आप भारत के सिटीजन हो, तो ये प्रिंसिपल है जस्ट सोली। जस्ट सेग्निस का प्रिंसिपल कौन सा है, इसका मतलब होता है ब्लड के टाइज से, अगर आपका खून यहाँ का है तब इस तरह से, तो ये ध्यान रखना। तो जो रेशियल आइडिया है जस्ट सिग्निस का, वो रिजेक्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, इट वाज अगेंस्ट द इंडियन एथोस, है ना, मोतीलाल नेहरू कमेटी, तो इन्होंने कॉन्सेप्ट जस्ट सोली का एक्सेप्ट किया था, ठीक है, कि जस्ट सोली ठीक है, कि जिसका जन्म होता है जहां पर वो उसका वहां पर क्या होगा, वो वहां का सिटीजन होगा, वो वहां का वो होगा, तो ये ध्यान रखना बच्चों। रंजीत गोहा है, ये पढ़ लेना आप लोग प्लीज, पोस्ट कॉलोनिज्म, गायत्री चक्रवर्ती, होमी के बाबा, है ना, ये लोग बताते हैं, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। पार्था चटर्जी, सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर हैं, आप लोग इनको ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा। सी राइट मिल्का है, ठीक है, और पॉलीबियस है, जेम्स जेम्स डैंड्रफ है, हु रूल्स अमेरिका इनकी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और आगे चलते हैं हम लोग, देखो सिक्स क्राइसिस हैं लूसियन पाई के, आई लव पिज्जा पार्टी इन डिस्को, ये इसकी ये इसकी क्या है, ट्रिक है। आई फॉर आइडेंटिटी क्राइसिस, एल फॉर लेजिस्टिमेसिस क्राइसिस, पी फॉर पेंट्रेशन क्राइसिस, एफ पी फॉर पार्टिसिपेशन, आई फॉर इंटीग्रेशन और डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद देखो ये अमेंडमेंट है, ये सारे बच्चे ध्यान रखना। देखो फर्स्ट अमेंडमेंट लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था, सेकेंड पॉपुलेशन से, थर्ड जो सारा एक बार आप पढ़ लेना, इससे आप लोगों को काफ़ी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। ये देखो 73, 74, है ना,
और ये कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी केस हैं वो यहाँ पर हैं आप लोगों के। केस वनन था, इंदिरा गांधी केस था, मिनर्वा केस था, बुम्बई केस था, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर इंटर स्टेट काउंसिल का जो आर्टिकल है वो 263 है ना। इंटर स्टेट काउंसिल की कौन स्टैब्लिश करता है? इंटर स्टेट काउंसिल को प्रेसिडेंट स्टैब्लिश करते हैं। तो ये काफी सारी चीजें हैं। एल्टन माओ ने तीन बताए थे, एक होता है चेस्लर, एक होता है स्क्विलर और एक होता है रेड बस्टर। चेस्लर होता है कामचोर, जो बहुत कम काम करे वो है चेस्लर, ठीक है। रेड बस्टर वो होता है जो बहुत ज्यादा काम करे तो उसे बोलते हैं रेड बस्टर। स्क्विलर मतलब वो होता है जो चुगली करता है, ठीक है, जो अपनी सारी बातें किसको बता दे, अपने सुपरवाइजर को बता दे किसी भी वर्कर के बारे में, तो उसे कहते हैं स्क्विलर। तो ये एल्टन माओ ने तीन चीजें बताई थी, ध्यान रखना पेपर में आ सकती हैं। ओके, तो ये चीजें ध्यान रखना, ये चीजें हो गई आपकी। अब आप लोगों के ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लेना एक बार, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये पढ़ लेना, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, गेम थ्योरी में स्पोरी बताया था, है ना, मॉर्टन कपलान के जो जो आपको मॉडल है वो चीजें आप लोग ये चीजें देख लेना। ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के लिए। एस्टिमेट कमेटी सारी, फिर ये कमेटीज आ गई हैं आपकी। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी तो जरूर बताना। ये लास्ट क्लास थी आज आपकी, क्योंकि आप लोगों का पता ही आपको पेपर है फिर, है ना। डेली प्लस एंड स्पेशल क्लासेस अन अकेडमी पे हो रही है। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं और आप 2022 के लिए पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप सब्सक्रिप्शन लेकर आ सकते हैं। 4 बजे मेरी क्लास है आज शाम को, 8 बजे भी मेरी क्लास है, प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर आ जाओ, ठीक है। देखो कम का पड़ जाएगा, इतना आपको नहीं देना पड़ेगा। मीनाक्षी लाइव यूज़ करना फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।